ओम शांति जी, नमस्कार। मैं निरंजन निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं, एक ऐसी समस्याओं का समाधान करने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में आती रहती है। लोग परेशान होते हैं, वो समस्याएं बोलते हैं ना कि जीवन में कुछ भी समस्या हो और कैसे भी हो, कभी कभी होता है ना कि समस्याएँ ऐसा होता है कि जो लोग आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। साथ ही साथ उसके साथ और क्या होता है, कुछ ऐसी समस्याएं होता है जिसे आप जीवन में बाहर निकल नहीं सकते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता है। इंसान कभी कभी बोलता है सर ये रेमेडीज कर लिया, ये उपाय कर लिया, लेकिन फिर भी समस्याएं से बाहर नहीं निकल पाते हैं, कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। और लोगों को उम्मीद होता है कि कहीं ना कहीं से परमात्मा कोई रास्ता दिखाए, कोई उपाय बताए जिससे हमारी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, वो हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, या रिलेशनशिप का हो, या आपके बॉडी के अंदर जो है 7 चक्राज आपके एक्टिवेट नहीं हो उसके हो, या आपके 9 प्लैनेट्स बैलेंस नहीं हो। शायद सुनने में छोटी लगेगी, सरल लगेगी, लेकिन काम का है, आपको करना है और करके एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर इसे आप करते हैं तो लाइफ में आपको बेनिफिट भी मिलेगा। करना क्या, बहुत सरल है। कभी कभी होता है ना कि जीवन में जो समस्याएं आती है, और दूसरा चीज़ है कि कुछ ऐसी भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम आएगी जो ना तो आप किसी को बता सकते हैं और ना किसी से शेयर भी कर सकते हैं। कुछ वैसे भी प्रॉब्लम है, आज के डेट में अपनी समस्याओं को दूसरों को बताते तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग बोले अरे इसके पास पैसे की दिक्कत है, इसका फैमिली ख़राब है, इसकी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है, इसकी पत्नी अच्छी नहीं है, सामने वाला का पति अच्छा नहीं है, इसका बेटा अच्छा नहीं है या इसकी बेटी अच्छी नहीं है। कहीं कहीं लोग इसी तरह से रिलेटेड आपको चीज़ें बोलते भी हैं, ताना भी दे देते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी होता है ना कि अगर परमात्मा बोलते हैं ना कि अगर ताला होता है ना, एक बोलते हैं ना कि ताला और चाबी, यानी लॉक है तो उसका की भी है, क्योंकि बिना की का लॉक का कोई कीमत नहीं है। वैसे ही हम सभी के जो लाइफ है ना, उस लाइफ में समस्याएं आनी भी तय है, क्योंकि जब तक समस्याएं आती क्यों, इंसान को मजबूत करने के लिए। और बोलते हैं कि उस ऊपर वाले ही परमात्मा ही हमारा पेपर लेता है, उसमें हम कितना अडिग रहते हैं, और जब प्रॉब्लम्स आती कुछ वैसे मेजर जो हमारा पास्ट कर्म के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन क्या पिछले जन्मों के कर्मों को भी हिसाब किताब समाप्त किया जा सकता है? क्यों किया जा सकता है? क्योंकि आपने सपोर्टेड आप कर्म कर रहे हैं, कभी आप देखते होंगे कि कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई समस्या में पड़ गए, कोई व्यक्ति अचानक आता है, आपको लिफ्ट दे देता है, आपकी हेल्प कर देता है, आपको खुशी मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको लिफ्ट दे रहा हूँ, मैं आपको एक काम कर दे रहा हूँ, तो आपको खुशी मिलती है। वो काम व्यक्ति ना आपको जान ना पहचान हेल्प करता क्यों? क्योंकि आपने जो पास्ट में जो कर्म किए थे ना, ये बोलते हैं कि जब अच्छे कर्म का पुण्य का जब फल आता है ना, तो इंसान ऑटोमेटिक आपका हेल्प कर जाएगा। लेकिन जब हमारे कुछ पास्ट का, जब पिछले जन्मों का कर्म अच्छे नहीं होते तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है ना, जो बोलते हैं कि ताला और चाबी, ये दो चीज़ें होता है ना, बोलते हैं कि लॉक और उसका एक की होता है। जब तक लॉक को की से नहीं खोलेंगे, लॉक खुलेगा नहीं, लॉक लॉक ही रहेगा, ताला। लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत जो है ना, बंद किस्मत के ताले भी खुल सकता है। वो कैसे खुलेगा? यदि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो समाधान भी, लेकिन अगर आप सही तरीके से, सही समय पर अगर उस समाधान को यूज करना शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए वो आपको जीवन के हर उस सफलता का राज, हर उस सफलता की सीढ़ी आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपको एक विश्वास के साथ करना चाहिए। उपाय कोई सा भी हो, किसी का भी उपाय हो, लेकिन आपको करना चाहिए। अगर उपाय अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी बेनिफिट मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको जो रेमेडी दिया जाता है ना, कहीं ऐसे नहीं कि कहीं से आता है, उस रेमेडी जो उस उपाय पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, और कहीं ना कहीं लोगों पर आजमाया हो रहता है, तो ही मैं दूसरों को बताता हूँ। क्योंकि जब तक उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे उन चीज़ों पे, तब तक वो बेनिफिट नहीं करता, और कहीं ना कहीं उसके पीछे भी लॉजिक होता है जो आपको रेमेडीज बताया जाता है। तो उसकी रिकॉर्डिंग आज आपको छोटी सी रेमेडीज बता रहा हूँ, लेकिन कारगर है। और अगर आप इन समस्याओं से, इन परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं, काफ़ी लोग होते हैं कि घर में दरिद्रता है, गरीबी को भी देखा जाता है, लोग कंगाली को भी आ जाते हैं, कहीं इनकी लोन में है, कर्ज है, परिवार अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, कहीं इनकी घर में कुछ न कुछ ऐसे रोग बीमारियां आ जाती है जो लोगों को समस्या क्रिएट हो जाता है। अब आप सुनिएगा करना क्या। और अगर हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अभी कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे खुशी होती है, और कहीं ना कहीं हम सभी एक अपना इस YouTube परिवार का एक हिस्सा है। कहीं कि मैं भी चाहता हूं कि आपको ऐसी ऐसी रेमेडी दूं जो आपको
जाने अनजाने में आप इस रेमेडीज़ को करेंगे तो जीवन में आप इस सफलता को पाएंगे। और डिटेल्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का, आपका नाम और मोबाइल नंबर तीनों का प्रिडिक्शन किया जाएगा। आपके लिए कैसा साल होने वाला है, कैसा नंबर है, अभी आने वाला 2024 कैसा होने वाला है, आपके नियम आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सही है नहीं, तो काफ़ी कुछ चीज़ है। और विशेष आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे न्यूमरोलॉजी का क्लास भी चालू है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, आप इस विद्या को सीखना चाहते हैं और सीख के एक अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और अगर इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डिटेल्स में जानने के लिए कॉन्टैक्ट करें। आपको सारा डिटेल्स बताया जाएगा, क्लास की टाइमिंग, क्लास का चार्ज, सारा कुछ आपको डिटेल्स में आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। और ये ऐसी विद्या है कि इसे आप शिव के जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, खास करके इसे आप अगर लाइफ में प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तब प्रोफेशनल बना सकते हैं और इस विद्या से आप लाखों रुपये महीने भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं आपको उपाय के, करना क्या है। शनिवार के दिन यानी सैटरडे से आपको उपाय को शुरू करना है। कोई सा भी शनिवार आता है उस दिन से आपको शुरू करना। उपाय करना क्या है, शनिवार से लेके रविवार और सोमवार उतन कि 3 दिन का एक उपाय है। 3 दिन अगर इस उपाय को करते हैं तो जीवन में जो परेशानियां हैं, उम्मीद करता हूं और परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी कि परेशानियां में आपको बेनिफिट मिलेगा और सफलता मिलेगी। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको जो करना है, शनिवार के दिन बाजरे की आटा मिल जाएगी मार्केट से, बाजरे की आटा लेना और आटे की एक रोटी बनाइएगा। मान के चलो आप दुकान में गए हैं, वहाँ बाजरे की आटा लीजिए और उस आटे की एक रोटी बनाना है, सिंगल ब्रेड बनाना है और उसमें क्या करना है और उसके ऊपर, उस रोटी के ऊपर क्या करना है, उड़द, उड़द की दाल आती है 8 पीस दाल जो होता है ना, उसका 8 दाना उस रोटी के ऊपर आपको रखना है। साथ ही साथ रखने के बाद क्या करना है, जब रात को आप सोते हैं एक रोटी लिए, बट रोटी लेना आपको बाजरे की। अब बाजरे की रोटी के ऊपर आपको क्या करना है, उड़द का 8 दाना रखना है और रात को जब सोते हैं ना तो अपने बेड के नीचे रखें। जब भी रात को सोने जाते हैं तो उस रोटी को आपको क्या करना है, अपने बेड के नीचे रखना और रात को रख दिए। फिर सुबह क्या करना है, जब आप उठते हैं तो उठने के बाद उस रोटी को क्या करना है, 8 टुकड़ा करके आपको फेंकना है। 8 दाने तो रोटी को भी 8 टुकड़ा आपको करना है, 8 पीस आपको एक रोटी को 8 टुकड़े कर देना है। उस टुकड़ा को फिर क्या करना है, फेंक देना है। और दूसरा साथ में आपको ध्यान रहना है कि जब भी इस टुकड़ा करें ना तो एक अच्छे विचार, अच्छे संकल्प के साथ कि हमारी लाइफ में आपने सोया, रोटी और उड़द, शनि राहु केतु तीनों का जो कहीं के मोस्टली परेशान करता है, और आप सर के नीचे, आप बेड के नीचे रख दिए, आपकी जितनी भी निगेटिविटी है वो सारा वो चीज़ें ऑब्जर्व करा। आपको मॉर्निंग में यार 8 टुकड़े यानी शनि 8 टुकड़े करके आपको उससे क्या करना है, फेंक देना है, डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन कहाँ फेंकना है, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे, कोई भी जो पेड़ पौधा था ना, कोई अगर बड़ा विशाल वृक्ष है उसी के नीचे आपको फेंक देना है। और साथ ही साथ आपको एक अच्छा संकल्प करना है। वो संकल्प कैसा करना है, मतलब मन में एक अच्छे संकल्प के साथ इस उपाय को करना है। शनिवार से शुरू करें तो भी एक अच्छा संकल्प, और जिस दिन आप रोटी को जब फेंकने जा रहे हैं टुकड़े को तो भी एक अच्छा संकल्प, क्योंकि इससे क्या है ना कि जीवन में जो आ रही परेशानियाँ हैं ना उसमें आपको छुटकारा मिलेगा। संकल्प कैसा होना चाहिए कि आप जो रेमेडीज करने जा रहे हैं यही प्रे करना है, हे परमपिता परमात्मा, जो मैं इस उपाय को बहुत निष्ठा और एक सच्चे दिल मन से करने जा रहा हूँ, इस उपाय के माध्यम से हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो मैं लोगों को शेयर नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाती हूं, इसे मेरी लाइफ से दूर करो और हमारी कृपा करो। और जब आप अर्जी अपने डालेंगे, बोलते हैं कि आपकी अर्जी होनी चाहिए, मर्जी उसकी रहेगी। जब आप अर्जी डालोगे तो उसकी मर्जी पक्की हो जाएगी। तो आपको अर्जी डालना है और अर्जी आपको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत कुछ देगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, परमात्मा के सामने अर्जी डालते हैं। अर्जी आपकी होनी चाहिए, कहीं भी कोई काम के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हैं, अर्जी डालते हैं, फिर उस पर संशोधन होता है। वैसे ही वो तो ईश्वर है ना, बोलते हैं कि वो तो, हम दुनिया में चमत्कार देखना चाहते हैं, मैजिक लोगों दिखाता है, बट वो तो सबसे बड़ा जादूगर है। एक दुनिया वाले जादू दिखाते हैं, लेकिन परमात्मा जो जादू जब दिखाएगा ना, जिसका उम्मीद नहीं, और वो जब देने पर आता है तो बहुत कुछ देता है, लेकिन वो भी देखता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं आपके अंदर कितना विश्वास और निष्ठा से कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका विश्वास, अधिक विश्वास है, बोलते हैं परमात्मा, बोलते हैं अगर मेरे पर निश्चय है तो फिर निश्चिंत रहो,
घबराना नहीं है, क्योंकि एक दिन जन हल होगा, आज नहीं तो कल हल होगा ही होगा, घबराइए नहीं। कभी कभी लोग होते हैं कि सर मैंने तो किया बट हुआ नहीं, आपने तो रेमेडीज बताया हुआ नहीं, होगा, बट आपको विश्वास रखना भी पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा भी चाहते हैं कि आप विश्वास आप रखोगे तो ही चीज़ें आपको लाइफ में मिलेगी, वो कैसी भी हो, ये रेमेडीज हो या कुछ भी रेमेडीज हो या आपके नंबर का हो, कुछ भी चीज़ का विश्वास रखना। और जब एक अच्छे विचार और सोच के साथ आप करेंगे तो देखिएगा भगवान गणेश की, परमात्मा की कृपा, और बोलते हैं ना कि बुद्धि के दाता, कर्म के दाता, विघ्नहर्ता, जो गणेश भगवान का आज दिन भी है, बुधवार है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जब भी मिले तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, पूरा लास्ट तक देखें, और जीवन में जो भी आपके पास परेशानी आ रहा है ना, कहीं ना कहीं परमात्मा आपको ठीक करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप एक बार जरूर अच्छे से देखें और एक विश्वास मान के ये चीज़ों को करें। खास करके आपको इन 3 दिनों में नॉनवेज इत्यादि नहीं खाना है। अगर आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते तो और अच्छा है। जब भी कोई रेमेडीज को अगर करते हैं ना आप, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारा रेमेडीज बताया 9 डेट का, तो 9 दिन आपको थोड़ा परहेज में रखना। जब भी किसी भी क्रिया को करते हैं, बोलते हैं ना कि जैसी क्रिया करेंगे प्रतिक्रिया वैसी आएगी, बोलते हैं टीट फॉर थ्रेट। तो जो आप सोचोगे, जैसा आप संकल्प से आप रेमेडीज को करोगे वैसा ही पूरा होगा। कहावत है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, बोलते हैं अन्न का प्रभाव मन पे बहुत गहरा पड़ता है। तो जैसी आपकी विचारधारा वैसी आपकी रिजल्ट। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो और आगे देखना है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके पास लेके आते रहें और आपके जीवन में सारी समस्याएँ खत्म हो जाए, आपके जीवन में समस्याएँ नहीं, जीवन में तरक्की करें। गॉड ब्लेस, और परमात्मा की यही कृपा मैं उम्मीद करता हूं, और परमात्मा से प्रे है कि आप सभी के जीवन में जो भी समस्या आ रहा है उसमें आपको छुटकारा मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जी।